कांग्रेस का आपके मुंबई में आने के पदार्पण के साथ ही मैं वापस आई ही क्योंकि अभी फिल्म की प्रमोशन शुरू होने वाले थे, इसीलिए मतलब काम के लिए। Why is Farhan not here? Farhan is at some meeting. He is at his school, children's school function. That is right. And then he is going to muster. One episode. Now, they'll see if they want to pick it up to make it into a series. But let's talk about Dil Dhadakne Do Na right now. How did you all like it later? We have to ask you this question. We like it because we put it out there. We all. I love it. It's superb, mind blowing, fantastic. Fantastic. Sir, multi. The film is. इंडियन जॉर्ज क्यों नहीं, इंडियन जॉर्ज क्यों नहीं? I think so far it's been very, very positive, and now the audience will decide. But I'm very happy with the you know the kind of film this is, and of course whatever I've done in this film is Zoya. Yay! Ranveer, इस फिल्म में सब लोग इतने टेंस क्यों हैं? उसके नहीं रहे, मतलब कोई भी स्माइल नहीं कर रहा है। अरे मैं कर रहा हूँ ना यार। हमारी नॉट सो पिक्चर परफेक्ट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आपको पिक्चर देख के पता चलेगा। तो पंजुन इट्स नॉट ऑल पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन उसमें इश्यूज हैं डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में। अरे दूसरे को भी सवाल पूछने दो, एक सब आप ही सवाल पूछो। यही अनुष्का इज नॉट हियर, फरहान इज नॉट हियर, शेफाली इज नॉट हियर, अनुष्का इज आउट ऑफ टाउन, फरहान इज एट हिज स्कूल किड स्कूल फंक्शन, and Shefali is also out of time. Okay, and koi matlab don't try to remove some meaning out of, they're just not there. Kuch who usko lega promotion mein nahi ja raha, yeah, he doesn't want to press. Priyanka, ha ji, guys, I'll tell you all why on another press conference. Right now we are just doing bites for Dil Dhadakne Do, because everyone is last question. चलो मतलब नया कुछ नहीं है, ट्रेलर लॉन्च है, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक अ रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस फैमिली का दिस इज द लॉन्च, एंड मेरे फरहान के घर में जो आज जस्ट आवर फ्रेंड्स एंड अनिल सर आल्सो जस्ट हैड हिज फ्रेंड्स एंड दैट वाज एट होम, दैट्स अ पर्सनल पार्टी। This is the launch. पार्टी में दिखाएंगे ये प्रेस के लिए और लॉन्च। तो आप ही अपने घर का कैसे ट्रेलर लॉन्च करने वाली हैं? नहीं, मेरा तो घर अभी डिसमेंटल हो रहा है। भैया इनका घर मेरा घर है ना भैया? हाँ। अब घर लिया है। हाँ। और प्रियंका का साथ साथ रहे? साथ में। एकदम बिल्कुल। रणवीर, हाँ। रणवीर भी। स्क्रीनिंग अपने बार ट्रेलर की स्क्रीनिंग? हाँ जी, हो गई ना स्क्रीनिंग। नहीं, वो मेरा फैमिली के घर पे थी, चक्कर में कि मैं घर से निकलूं, आप मुझे वापस घर भेज रहे हैं। क्या बनाऊंगा ये गंदा? गेटिंग बेटर, फिजियोथेरेपी चालू है, आई विल बी बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। ध्यान रखना आपका, यानी घर पे। हां, काफी सुमित, थैंक यू। Thank you.
और आजकल और जो मेरा बेटा भी आजकल बहुत लाइन मार रहा है, किस पर दूध को भी बुला ही लेता हूँ, गर्लफ्रेंड को। कहाँ है भैया? अनुष्का जी आइए प्लीज, आइए, वेलकम। और मैं अभी जेंटलमैन है तो उनको, फरहान साहब प्लीज ऊपर आइए, फरहान साहब, फरहान अख्तर साहब प्लीज आइए, रणवीर साहब ओवर टू यू। आज की खास दिन पे मैं चाहूंगा कि फरहान अख्तर अपनी मधुर आवाज में कुछ गा के सुनाए। रणवीर वाज, दैट वाज नॉट इन द प्लान। डमशराज खेल रहे हैं, इनकी आवाज चली गई है। डियर मेंबर्स ऑफ मीडिया, प्लीज मे आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ सीट, एज एवरीबॉडी हियर वो भी देखना चाहेंगे और मिलना चाहेंगे इस फैमिली से। सबसे पहला सवाल मैं अनिल सर आपसे पूछूंगी, सिंस यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब आप किस किस्म के पिताजी हैं कि अपने बेटे को प्लेन के लिए शादी करवा रही है, वो क्या हो रहा है, प्लीज जरा ये ट्रैक समझाइए। मैं प्रोमो देख देख के थक नहीं गई, मतलब क्या हो रहा है वहां पे? यू सी, अभी तो शुरुआत है, बेटे को प्लेन दे रहा हूं और फिट दूंगा। यू नो I think there is one lady who I can't stop complimenting, that's Shefali ji. Every time you've come on screen, maybe please clap for this gorgeous, gorgeous and an ultimate actor of another order. To play this wife, jinke husband matlab acting mode mein aa jate hain. What is that whole thing about him saying, abhi kyun acting kar rahe ho? Did you think every time a husband compliments a woman, it's an act? I don't know about others, but we, it's kind of, we're very good actors at that, so, yeah. And playing the mother to two of the most notorious actors that they are out there, the most fun man. May I just say, yes, yes, that shot was an outtake, it's behind the scenes. Asliyat nikalai. Acha, before we, मैं अपने सर इन लॉ को भी बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, प्लीज प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल बोस, राहुल बोस। अब पूरा परिवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यस शिवाली जी, यू गॉट टू आंसर माय क्वेश्चन, एवरीबॉडी इज इन लव विद दीस टू एंड दे आर योर किड्स, क्या किया आपने, व्हाट इज, हाउ इज इट प्लेइंग देयर मॉम? Actually, it's not very different from being a mom to my 11 and 12 year old. They're equally notorious, so felt completely at home. Acha, natural tha, bahut hi natural. Absolutely. And for the voice, ladies and gentlemen, Priyanka Chopra finally sings in Bollywood. PC, what did it take? Everybody told us ki aap rock star ho, aapki awaaz kya hai, fir aap वहाँ जाके गा के पहले आ गई, ऐसे कैसे हो गया? मतलब या हालांकि आपने एक्चुअली साउथ में पहला गाना गाया था आपका, बट दिस इज सो योर वॉइस, यू गॉट टू गो फॉर इट एंड टेल अस, कैसा था एक्सपीरियंस, वो भी शंकर एहसान लॉय के लिए, कम ऑन। इट वाज इनक्रेडिबल एक्चुअली, द आइडिया केम अप एट अ पार्टी, हम लोग जोया, रितेश, फरहान, आई रिमेंबर एवरीबॉडी, वी वर जस्ट टॉकिंग कि अच्छा फरहान भी गाता है, पीसी भी गाती है, गाना होना चाहिए, and suddenly SEL made a song and suddenly Zoya said aake gaado and Javed Saab had written the most difficult lyrics in the world which I can never remember because there are 13 words in every sentence and every time I'm asked to sing it I only say dil dhadakne da whoa I don't remember the rest and Anushka does but Farhan had always been very encouraging to me to sing ever since we had done Dawn actually that I should sing a lot more and that's exactly what he did this time too and I'm super happy Zoya gave me the opportunity so it was great. Hey, so let's watch the song kyunki aapne aapke singing ke sath ek gaane mein apni dancing ko bhi match kiya hai. I request all of you to take your seats. Okay, I think this has happened because computer thak gaya lekin ye log nahi thake. Clap, come and take a bow please. Yes. So we were deciding and he was like, there are so many Punjabi songs shot in the industry all the time. So what are we going to do to make this different? And it's a family and it should seem like a family that gets up and dances and someone's actually shooting it with a video camera. So let's just do it in one shot. I was like, how is that going to be possible? And then came in the next stars, Bosco Caesar. Woo! And, Carlos, how many cameras did you have there? Or was one camera. And you managed that
One take, one camera. Yeah. That's crazy. सबसे पहले मैं प्रियंका जी से माफी जाना मांगना चाहूँगा क्योंकि काफी लोगों की मैंने टांगे तोड़ी, इनका लिप्स फाड़ा मैंने, तो I'm very sorry. I just got carried away. बड़े बहुत सालों के बाद गाना मिला मुझे, गाने आजकल कोई दे नहीं रहा मुझे. तो मैंने जावेद साहब ने कहा यार मैं गाना लिख रहा था, बोला यार सरकार आप अपने आदमी, आप मैंने यू नो मैंने रिक्वेस्ट किया उन लोगों कि आपका भी कंतरा होना चाहिए. बोला थैंक यू जावेद साहब. बहुत सालों के बाद गाना मिला तो मैं थोड़ा डेस्परेट हो गया. थैंक यू रणवीर. जब बचपन से हम लोग सुनते थे धिनाधिन धा, हाँ तो क्या क्या मन में आता है धिनाधिन धा सुन के? झकास राम लखन ए जी ओ जी. तो अभी आपका यहाँ धिनाधिन धा होगा और इनका, हालांकि आपने बहुत सिचुएशंस में हमको बचाया है रणवीर. यू एंड अनिल सर आर गोना डू द धिनाधिन धा फ्रॉम देन टू नाउ. आर यू रेडी? जस्ट डिड इट. नो, फिर से. एंड हुज आईडिया इट एक्चुअली वाज हैज आल्सो डन इट विद अस. रतन एनकोर हो जाए. Can you display with Dinadinda, please? One last time, I promise. One last time. There was a little section that Zoya and Bosco left up to us. Ji. The basic premise is each one has to suggest a step and the other two have to follow. Haan. So Ratan has suggested that we do the iconic step. So we have gone for it like there is no tomorrow. All right then, let's see what you have recreated in that new andaz with the new singer couple here right now, and we're going to see that one pehli bar. Are you ready for that one? Yes, absolutely. What an amazing note you hit there. Khoobsurat libas pehna hai. Kya hai ye? Please explain. A lot of people out here are to know about this Thai quotient today. Just check now once again. I'm not sure. Ye aapne kisi Pakistani actress ki video to nahi dekh li thi jo unke sath aise hota rehta aksar? नहीं, जस्ट चेक प्लीज. कुछ नहीं चेक हो रहा है बट ये नाम अच्छा, बट इट्स अ रियली गुड आउटफिट. थैंक्स गाइस, थैंक्स अ लॉट. एंड दिस डिजाइनर इज ग्रेट. आई जस्ट डिडंट चेक द लेबल. आई वंडर आप इस क्रूज में एक्चुअली परफॉर्मर हैं, लेकिन असली परफॉर्मेंस तो वो करके जा रहे हैं, एंड इतने ठुमके तो एक लड़की ने भी बॉलीवुड की हिस्ट्री में नहीं लगाए जितने कि उनके लगाए. कि वो रणवीर कांट टेक इट, मतलब गाना बज रहा है, ही हैज टू डांस, मतलब ही हैज टू डांस फॉर एवरीबॉडी इन द रूम ऑल्सो. सो दैट इज लाइक यू हैव टू गिव इट टू हिम, दैट्स हिज बर्थ राइट, यू नो, टू मैच. आई मीन ऑफ कोर्स एवर सिंस यू हैव कम इनटू द इंडस्ट्री इट्स बीन अबाउट यू एंड डांस, लेकिन टू डांस विद दिस मैन मस्ट बी अनदर लेवल. तो इस वीडियो में दर्शक, हाँ इसको करने दो, अपना दिखाने दो जलवा, फिर मैं आती हूँ. वॉज इट समथिंग लाइक दैट जब ये एक्चुअली शूट हो रहा था? एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग. बॉस्को सीजन एंड जोया डिसाइडेड कि हम लोग ज़्यादा कोरियोग्राफी नहीं चाहते हैं इस गाने में. कम ना रणवीर, तू भी खड़ो जा मेरे साथ, तू भी तो है गाने में. इस वक्त मुझे थोड़ी शर्म आ रही है. नो नो, ही इज बीइंग डैम हॉट, ही डजंट वांट टू स्वेट एनीमोर, उसकी गुड लुक्स खराब हो जाएंगे. इस वीडियो का मुझे जवाब देना पड़ेगा. सो दे डिडंट वांट टू मच कोरियोग्राफी इन दिस थिंग, सो दे जस्ट लेट रणवीर एंड मी बी, एंड इट्स समटाइम्स इट्स और कुत्ता, इन दोनों को ज्यादा कंट्रोल करना पड़ा है ना. जोया वाज वेरी वेल कंट्रोल्ड, जोया देयर इज नो डाउट अबाउट, डॉग वाज वेरी वेल ट्रेन्ड एंड कंट्रोल्ड. उसको बिस्किट दो तो काम डाउन हो जाता है, मुझे बिस्किट दो तो ये हो जाता है. Since she couldn't tell us about her outfit, I've heard that you were very excited about yours. I think you should all clap for Ranveer for giving us pure sheer entertainment. The way he dresses, he does. Thank you. Actually, you entertain with the way you dress. What is that? Socho. Neend mein bhi main entertain karta. We have actually won the most stylish film award last night. Kamal hai, picture release bhi nahi hui hai aur awards aane lage hain. Wah. Ritesh saab, wah, 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 wah. No, but this is self-designed or does somebody did that for you? What is it like? You know. Silex. Silex? Is the name. Maine check kiya tha. Thank you so much, the two of you. Javed sahab, kyunki aapke characters bahut hi atrangi hain. Unke, you know, character pieces se aapne... Nahin, alag hi kiya, isliye ke... कहानी अलग थी, कैरेक्टर्स अलग थे, सिचुएशंस अलग थी, तो म्यूज़िक भी अलग ही हुई, गीत भी अलग हुए. एक गाने में ज़रा 13 वर्ड हो गए थे, उसका प्रॉब्लम ज़रूर हुआ,
मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि भाई जो 13 तक गिन भी नहीं सकती उन्हें 13 वर्ड कैसे दे दिए। How mean? That's only provided everyone in the film has to sing with us. Is that a deal? पहली बार तुमको मैंने जब देखा था, सुन लो यार मैंने क्या सोचा था, लगा कि तुमसे है मिलना तबाही, इस दिल को ही समझाने मैंने कहा इस रास्ते ना जाना कभी राही, ये तेरे लिए है ही नहीं दिल मेरा बोल उठा, होने दो अब जो भी हो डरना क्या भला बुरा, होने दो अब जो भी हो क्या दिल की सुन ली तुमने, क्या राह चुन ली तुमने, हाँ दिल की सुन ली मैंने, हरा चुन ली मैंने। Thank you. Sukriti Kakkar and Siddharth, now this young energy. You have no reason to believe that whatever I'm saying is totally objective and there is no emotional connect or any subjectivity about my opinion. But the fact is that I know my stretching, I'm stretching my neck out. I'm making a statement with certain responsibility. Generally, we talk of our past and get nostalgic. Kya zamana tha, kaisi filmein banti thi, ab to sahab pata nahi kya ho gaya. That was the golden era. Believe me, times where film like Dil Dhadakne Do are made can be called golden era. Zoya, you're the best! And this is my honest, objective opinion. This was my opinion after watching Udaan. This was my opinion after watching many films nowadays, which did well on the box office and had certain standards, certain sensibility, which is totally unprecedented. This is a film I would like to congratulate everybody, every artist of this film, who has worked on the screen, behind the screen. It is, their work is exceptional. And I am saying it with certain responsibility, I know. I mean, making a big statement. Believe me, it is an exceptional film. And I would like to congratulate Zoya. I would like to congratulate Ritesh and Farhan for producing this film. And everybody, everybody who's involved with that. Well done. I am really proud of all of you. Is that good enough, Priyanka? No, 13 is an unlucky number.
behalf of XL Entertainment and Jungly Pictures, this was a fantastic brunch afternoon, and thank you so much for being here in full attendance. And there's lunch being served. Please. Very nice, really enjoyed it thoroughly, and I wish the team all the very best. Zoya in particular, I wish her all the very best. It's a beautiful film, really nice, thoroughly enjoyed it. Anil sir, PC, Anushka, Shefali, everybody, the supporting cast is superb film. I mean, I can't wait to do a film with Zoya now, even more. Song? I think wo jo gana pehli baar tumko maine, that's my favorite song. Sabhi bahut superb the. I mean, you can't really choose one person. I love you. अच्छी फिल्म है, सबको जाके देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए, और सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. आई थिंक जेन्युइनली इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, एंड जोया की तीसरी फिल्म है और बहुत अच्छा काम किया सब लोग. आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे हैं, एंड आई मीन दैट प्रियंका से लेके रणवीर से लेके अनिल कपूर एंड अनुष्का भी उनका रोल है कैमियो की तरह, पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. सब गाने से जेन्युइनली बहुत अच्छी फिल्म है. Thank you.
I think it's a gorgeous film. I absolutely loved it. And three cheers to Zoya, Reema and the entire team at XM. Well done. All the actors were fabulous and I loved the film. बिल्कुल बिल्कुल हर कैरेक्टर फ्रॉम द फादर मदर टू ऑल द कैरेक्टर्स यू समवन और द अदर यू आर बाउंड टू रिलेट टू एंड इट इज ब्यूटीफुल आई थिंक इट इज रियली टचिंग एंड आई लव द वे इट इज डन आ रहे एंड ऑफ द एक्सेल एंटरटेनमेंट की पिक्चर आ रही है थ्री स्टोरीज देखिएगा थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट Love the movie. Please go and see it. It's lovely. All the performances are fantastic. I thoroughly enjoyed it. And after the trial, I've come out dancing. And I hope you all do the same. बहुत सुपर फिल्म बहुत चलेगी सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं स्टोरी अच्छी स्क्रीन प्ले अच्छा है डायलॉग्स अच्छे हैं परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं जोया जी ने बहुत अच्छा काम किया आई थिंक दिस मूवी विल बी अ बिग हिट थैंक यू बहुत ही स्वीट फिल्म है और ह्यूमन रिलेशन को इतना अच्छे से जो जोया का पूरा स्टाइल है उसकी जो पुरानी फिल्में थी लग बाय चांस और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये उसी के कंटिन्यूशन है उसका एक्सटेंशन है और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है आई रियली लाइक जोया फिल्म एंड फरहान की डायलॉग फरहान की परफॉर्मेंस एंड आई थिंक पी सी और अनिल जी शेफाली सब लोग बहुत बढ़िया हैं और रणवीर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन एक फैमिली की कहानी है तो इट फील्स लाइक ए फैमिली आई थिंक और लोगों के कमेंट आप लीजिए अभी आई रियली लव इट वेरी गुड यू कैन पिक अ यूएसपी आई थिंक द होल फिल्म एज अ पैकेज इट्स अमेजिंग सो एज एन अमेजिंग अमेजिंग यू कैन डिसाइड हु इज द बेस्ट ऑल ऑफ देम रणवीर इज वेरी गुड ही इज रियली अमेजिंग द फिल्म ऑब्वियसली आई थिंक एवरीवन इज रियली रियली गुड सुपर्ब सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको सभी ने अच्छा किया बट ऑफ कोर्स जोया एक्टर इज द लीडर ऑफ द बैंड आई मीन शी इज गुड टू पुटिंग एवरीबॉडी ऑन अ क्रूज आफ्टर दिस टू गुड एवरीबॉडी आई लव्ड द फिल्म रणवीर इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म सो इज एवरीबॉडी एल्स बट एंड द मदर एक्टर है वो दिखता है अभी दिखने लगा है उसकी मैच्योरिटी दिखने लगी है एज एन एक्टर जोया की डायरेक्शन का तो जवाब नहीं कमाल का डायरेक्शन बल्कि
मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि मैंने उसे एक छोटी सी बच्ची देखा था, तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी छोटी सी बच्ची अभी इतनी महान डायरेक्टर बन गई है, इतनी सोच है उसमें, उस इतना डेप्थ आ गया है उसकी डायरेक्शन में। आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम हु डन दिस मूवी। Well, you know, the inspiration was Zoya wanting to do the film, and obviously we've taken a lot from, you know, what both of us know about families and relation, you know, familial relationships. But the film has an urban outlook, so do you think it will work out in small towns as well? Well, you know, the film is so, you know, the concept of family is so rooted in the film. So the family is, you know, urban or rural. It applies. I think it's got universal appeal. And all the star cast talking about Ranveer Singh, Anil Kapoor, is it the favorite star cast list for the film, or there was some substitute? No, I think this is the favorite. I mean, I've seen the film. The performances are fabulous, and each actor has just taken their part and kind of, you know, taken it out of the park. Talking about your direction career, are you involved today? Are you working in a project? And talking about a project. And well, I am working on something, but now, today I think this week is Dil Dhadakne Do week. I'd rather speak about that. Okay, thank you. Characterization hua hai. I mean, I've just come out feeling so overwhelmed watching this film. It's actually a fact. Jo log aapke kareeb hai, aap unse emote nahi karte hain, aur jo log dur hai, aap then you regret. So I think it's a beautiful concept. Film dekhte samay family ko kitna yaad kiya aapne? No, you do. You obviously with such films you relate your own people with it, because it's actually a fact. It's a beautiful film, and it's reality, and you know, it's I mean, modern film hai, aajkal ke generation ke upar hai. Brother sister ka relationship hai, mummy daddy ka relationship hai, boyfriends to husbands. Ek hi picture mein she's captured all the emotions, all the relationships. And I think it's beautiful. Acha, relationship ki baat kare to jaldi aap shaadi ke bandhan mein. Woh aapko pata chalega jab hoega. Acha, koi upcoming project? Yes, kal I hope I'm seeing you. My film's releasing 3rd of July for Second Hand Husband. So looking forward to that. Thank you so much and all the best. मैं तो इस फिल्म का हिस्सा हूँ, तो मैं तो ये उससे मुझसे पूछना गलत बात होगी, मुझे लगता है जो जो फिल्म ट्रेलर देखी है उनसे पूछिए उन्हें कैसा लगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग करने का ज़ोया के साथ? अब क्या बताएं, ज़ोया के साथ मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत मज़ा किया, और आज भी हम लोग सिर्फ मज़ा ही करने वाले। इसको सीरियसली मत लेना, लेट्स ऑल ऑफ यू ऑल जस्ट कम एंड हैव फन। दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट फन, फैमिली, इट्स अ फैमिली फिल्म। दैट्स व्हाई हमने ये डिसाइड किया कि जितने मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको मैंने यहाँ बुलाया ताकि वो आके यहाँ ट्रेलर देखें।
नहीं, मैंने ट्रेंड नहीं शुरू किया, ये अपने आप ही हो गया। सब चीज़ें अपने आप होती, कोई प्लान नहीं होती। कभी कभी कुछ चीज़ें फिल्म के जो जिस किस्म की फिल्म होती है उस हिसाब से होती है। हमने ये सोचा कि ऐसा करेंगे एंड आई थिंक अभी लेट्स सी हाउ द फिल्म इज। कुछ पता नहीं, ऑल माय फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई बाहर का नहीं, सिर्फ दोस्त और फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। अरे यार पिक्चर देखो यार, ट्रेलर देखो, तुम लोग भी देखो, तुम लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, माइंड ब्लोइंग फिल्म। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां दिखाई है, तो बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां क्या होती है? अभी ये तू अभी क्या पूछ रहा है, रात के 12 बजे बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत खूबसूरत ट्रेलर है, सबने बहुत अच्छा काम किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म बहुत कामयाब होगी। बहुत बड़े बजट की फिल्म है, बहुत सारे स्टार हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मुझे जितना ट्रेलर दो मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर है, बहुत उम्दा लार्ज स्केल पर फिल्म है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, सब लोग बहुत खूबसूरत लगे हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और बहुत ही ड्रामेटिक फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। अनुपम जी, अभी थोड़ी देर पहले जो गेस्ट निकले उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ना कुछ ऐसा है जो बड़े लोगों की प्रॉब्लम दिखाई है, जो बड़े लोग हैं उनकी प्रॉब्लम, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है बड़े लोगों की जो उन्हीं की होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्होंने कहा होगा, मेरे को तो सबकी प्रॉब्लम सेम होती है। ओके, नमस्कार सर, हाउ डू यू फाइंड द ट्रेलर सर? दिल धड़क रहा है अभी भी सर, सच्ची में अभी भी दिल धड़क रहा है। प्रियंका, देयर इज अनिल द मल्टी स्टार मूवी आफ्टर सो लॉन्ग सर। एब्सोल्युटली
Anil is fabulous, Shefali is superb, Priyanka is fantastic, Anushka is wow, and Ranveer Singh is superb. Perfect. Even Rahul Bose. Thank you, sir. And the look. Oh, fantastic. Can't wait to see the film. But people are just saying that abhi tak dil dhadak raha hai. Aisa kya ho gaya ki abhi tak logo ka dil dhadak raha hai? Boni ji has now said. Abhi tak to 5 June tak dhadakte rahega. Then we'll see what a bomb it. But a multi-star movie after so long. So what do you want to say about that? Well, I mean, like I said, we are looking forward to the release of the film. Thank you so much. Say again. There's Tanveer, there's Paran, there's Anushka, there's everything. And the story is very strong. And you get it from the trailer. So it is based on the problems of upper middle class family. Is it true? There are stories, there are problems that have been displayed or been showcased that... You have to watch the movie for that. Thank you very much. So how did you find the trailer? Superb. So, but multi-star movie after so long, so what do you have to say about Zoya's taste for the and flavor for the movie? Superb. That's it? Something else you like to add for me? सब सुपर है, एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग, सब बहुत अच्छा लग रहा है, सुपर फिल्म, लुकिंग ब्रिलियंट, मैं तो थिएटर में जाके देखूंगा पक्का। वेरी वेरी नाइस, ऑसम, आई कांट वेट फॉर द फिल्म। I'm super excited to be sharing the trailer with the world in another 2 weeks. Perfect. And Quanta ka ke bare mein bhi jana tha kyunki itne sare pictures the, people are just waiting. Hame pata chalega in another agar if the show will get picked up or not. If it gets picked up, then series banega. Nahi to I'm here. Perfect. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Love the movie, please go and see it, it's lovely, all the performances are fantastic. I thoroughly enjoyed it and after the trial I've come out dancing and I hope you all do the same. बहुत सुपर फिल्म, बहुत चलेगी। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, जोया जी ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक दिस मूवी विल बी अ बिग हिट। थैंक यू। बहुत ही स्वीट फिल्म है और ह्यूमन रिलेशन को इतना अच्छे से, जो जोया का पूरा स्टाइल है, उसकी जो पुरानी फिल्में थीं लक बाई चांस और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये उसी के कंटिन्यूशन है, उसका एक्सटेंशन है और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। आई रियली लाइक जोया फिल्म एंड फरहान की डायलॉग, फरहान की परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक पीसी और अनिल जी, शेफाली, सब लोग बहुत बढ़िया हैं और रणवीर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सबसे अच्छा क्या लगा फिल्म में?
फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन एक फैमिली की कहानी है, तो इट फील्स लाइक ए फैमिली। आई थिंक और लोगों के कमेंट आप लीजिए अभी। आई रियली लव दिस, वेरी गुड। व्हाट इज योर यूएसपी ऑफ फिल्म? यू कांट पिक अ यूएसपी। आई थिंक द होल फिल्म एज अ पैकेज इट्स अमेजिंग। सो एज एन अमेजिंग अमेजिंग यू कांट डिसाइड हु इज द बेस्ट। ऑल ऑफ देम। रणवीर इज वेरी गुड, ही इज रियली अमेजिंग इन द फिल्म। ऑब्वियसली आई थिंक एवरीवन इज रियली रियली गुड। सुपर्ब। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको? सभी ने अच्छा किया है। Of course, Zoya Akhtar is the leader of the band. I mean, she's putting everybody on a cruise after this. Too good. Everybody. I loved the film. See, Ranveer is outstanding in the film, and so is everybody else. But, and the mother. Actor hai, wo dikhta hai, abhi dikhne laga hai, uski maturity dikhne lagi hai, as an actor. Aur Zoya ki direction ke baad kya karenge? Zoya ki direction ka to jawab nahi. Kamal ka direction. बल्कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैंने उसे एक छोटी सी बच्ची देखा था, तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी छोटी सी बच्ची अभी इतनी महान डायरेक्टर बन गई है। इतनी सोच है उसमें, उस इतना डेप्थ आ गया है उसकी डायरेक्शन में। आई एम वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम हु डन दिस मूवी। वेल यू नो द इंस्पिरेशन वाज ज़ोया वांटिंग टू डू द फिल्म, एंड ऑब्वियसली वी हैव टेकन अ लॉट फ्रॉम you know what both of us know about families and relation, you know, familial relationships. So the film has a very urban outlook. So do you think it will work out in small towns as well? Well, you know, the film is so you know, the concept of family is so rooted in the film. So the family is, you know, urban or rural, it applies. I think it's got universal appeal. Now the star cast talking about Ranveer Singh, Anil Kapoor, Khan, is it the favorite star cast list? What a film or there was some substitute as well? No, I think this is the favorite. I mean, I've seen the film. The performances are fabulous, and each actor has just taken their part and kind of, you know, taken it out of the park. Talking about your direction career, are you involved? So, are you working in a project? Talking about a project. Well, I am working on something, but now today I think this week is Dil Dhadakne Do week. I'd rather speak about that. Okay, thank you. We'll be right back.
एवरीबडी टोल्ड अस कि आप रॉक स्टार हो, आपकी आवाज़ क्या है, फिर आप वहाँ जाके गा के पहले आ गई, ऐसे कैसे हो गया? मतलब या हालांकि आपने एक्चुअली साउथ में पहला गाना गाया था आपका, बट दिस इज सो योर वॉइस, यू गॉट टू गो फॉर इट एंड टेल अस कैसा था एक्सपीरियंस, वो भी शंकर एहसान लॉय के लिए, कम ऑन. इट वॉज इनक्रेडिबल एक्चुअली. द आइडिया केम अप एट अ पार्टी. हम लोग जोया, रितेश, फरहान, आई रिमेंबर एवरीबडी, वी वर जस्ट टॉकिंग कि अच्छा फरहान भी गाता है, पीसी भी गाती है, गाना होना चाहिए. एंड सडनली SEL मेड अ सॉन्ग एंड सडनली जोया सेड आके गा दो. एंड जावेद साहब हैड रिटन द मोस्ट डिफिकल्ट लिरिक्स इन द वर्ल्ड विच आई कैन नेवर रिमेंबर बिकॉज देर आर 13 वर्ड्स इन एवरी सेंटेंस. एंड एवरी टाइम आई एम आस्क्ड टू सिंग इट आई ओनली से दिल धड़कने दो. वाह, आई डोंट रिमेंबर द रेस्ट. या विद द वे. Yeah, and Anushka does but Farhan had always been very encouraging to me to sing ever since we had done Dawn actually, that I should sing a lot more, and that's exactly what he did this time too, and I'm super happy Zoya gave me the opportunity, so it was great. Hey, so let's watch the song kyunki aapne aapke singing ke sath ek gaane mein apni dancing ko bhi match kiya hai. I request all of you to take your seats. Okay, I think this has happened because computer thak gaya, lekin ye log nahi thake. Clap. Come in, take a bow, please. Yes. So we were deciding, and he was like, "There are so many Punjabi songs shot in the industry all the time. So what are we gonna do to make this different? And it's a family, and it should seem like a family that gets up and dances, and someone's actually shooting it with a video camera. So let's just do it in one shot." I was like, how is that going to be possible? And then came in the next stars, Bosco Caesar. Woo! And, Carlos, how many cameras did you have there? Or was one camera. And you managed that. One take, one camera, yeah. That's crazy. सबसे पहले मैं प्रियंका जी से माफी जाना मांगना चाहूँगा क्योंकि काफी लोगों की मैंने टांगे तोड़ी, इनका लिप्स फाड़ा मैंने, तो I'm very sorry. I just got carried away. बड़े बहुत सालों के बाद गाना मिला मुझे. गाने आजकल कोई दे नहीं रहा मुझे. तो मैंने जावेद साहब ने कहा यार मैं गाना लिख रहा था, बोला यार सरकार आप अपने आदमी आप, मैंने यू नो मैंने रिक्वेस्ट किया उन लोगों कि आपका भी कंतरा होना चाहिए. बोला थैंक यू जावेद साहब. बहुत सालों के बाद गाना मिला तो मैं थोड़ा डेस्परेट हो गया. थैंक यू रणवीर. जब बचपन से हम लोग सुनते थे दिन अधिन धा, हाँ तो क्या क्या मन में आता है दिन अधिन धा सुन के? झकास राम लखन एजी ओजी. तो अभी आपका यहाँ दिन अधिन धा होगा और इनका, हालांकि आपने बहुत सिचुएशंस में हमको बचाया है रणवीर. यू एंड अनिल सर आर गोना डू द दिन अधिन धा फ्रॉम देन टू नाउ. आर यू रेडी? जस्ट डिड इट. नो, फिर से. एंड हुज आईडिया इट एक्चुअली वाज हैज आल्सो डन इट विद अस. रतन एनकोर हो जाए. Can you display with Dina Dinda, please? One last time, I promise. One last time. There was a little section that Zoya and Bosco left up to us. जी. The basic premise is each one has to suggest a step and the other two have to follow. हाँ. So Ratan has suggested that we do the iconic step. So we have gone for it like there is no tomorrow. All right then, let's see what you have recreated in that new andaz with the new singer couple here right now, and we're going to see that one pehli baar. Are you ready for that one? Yes, absolutely. What an amazing note you hit there. Khoobsurat libas pehna hai. Kya hai ye? Please explain. A lot of people out here are to know about this Thai quotient today. Just check now once again. I'm not sure. Ye aapne kisi Pakistani actress ki video to nahi dekh li thi jo unke sath aise hota rehta aksar? नहीं, जस्ट चेक प्लीज. कुछ नहीं चेक हो रहा है. बट ये नाम अच्छा, बट इट्स अ रियली गुड आउटफिट. थैंक्स गाइस, थैंक्स अ लॉट. एंड दिस डिजाइनर इज ग्रेट. आई जस्ट डिडंट चेक द लेबल. आई वंडर आप इस क्रूज में एक्चुअली परफॉर्मर हैं, लेकिन असली परफॉर्मेंस तो वो करके जा रहे हैं, एंड इतने ठुमके तो एक लड़की ने भी बॉलीवुड की हिस्ट्री में नहीं लगाए जितने कि उनके लगाए. कि वो रणवीर कांट टेक इट, मतलब अगर गाना बज रहा है ही हैज टू डांस, मतलब ही हैज टू डांस फॉर एवरीबॉडी इन द रूम आल्सो. सो दैट इज लाइक यू हैव टू गिव इट टू हिम, दैट्स हिज बर्थ राइट, यू नो. टू मैच, आई मीन ऑफ कोर्स एवर सिंस यू हैव कम इनटू द इंडस्ट्री इट्स बीन अबाउट यू एंड डांस.
लेकिन टू डांस विद दिस मैन मस्ट बी अनदर लेवल. तो इस वीडियो में दर्शक, हाँ इसको करने दो, अपना दिखाने दो जलवा, फिर मैं आती हूँ. वॉज इट समथिंग लाइक दैट जब ये एक्चुअली शूट हो रहा था? एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग. बॉस्को सीजन एंड जोया डिसाइडेड कि हम लोग ज़्यादा कोरियोग्राफी नहीं चाहते हैं इस गाने में. कम ना रणवीर, तू भी खड़ो जा मेरे साथ, तू भी तो है गाने में. इस वक्त मुझे थोड़ी शर्म आ रही है. नो नो, ही इज बीइंग डैम हॉट, ही डजंट वांट टू स्वेट एनीमोर. उसकी गुड लुक्स खराब हो जाएंगे. इस वीडियो का मुझे जवाब देना पड़ेगा. सो दे डिडंट वांट टू मच कोरियोग्राफी इन दिस थिंग, सो दे जस्ट लेट रणवीर एंड मी बी. एंड इट्स समटाइम्स इट कैन गेट डेंजरस, बट देन दे कंट्रोल्ड अस आल्सो कि बस बस बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा मत फैलो. हां ज्यादा, दैट्स व्हाट जोया हैड टू डू इन द होल फिल्म एक्चुअली. To me at least. People talk about J-Lo's. बस मैं और कुत्ता. Over. हाँ. हाँ इन दोनों को ज़्यादा control करना पड़ा है ना Zoya? कुत्ता was very well controlled Zoya. There's no doubt about. Dog was very well trained and controlled. उसको biscuit दो तो calm down हो जाता है. मुझे biscuit दो तो ये हो जाता है. Okay, since she couldn't tell us about her outfit, I've heard that you were very excited about yours. I think you should all clap for Ranveer for giving us pure sheer entertainment the way he dresses. He does. He does. Thank you. Actually, you entertain with the way you dress. What is that? Socho. Neend mein bhi main entertain karta. We have actually won the most stylish film award last night. Kamal hai, picture release bhi nahi hui hai aur awards aane lage hain. Wah. Ritesh saab, wah 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 wah. No, but this is self designed or did somebody did that for you? What is it like? You know. Silex. Silex is the name. Maine check kiya tha. Thank you so much, the two of you, Javed sahab, kyunki aapke characters bahut hi atrangi hain. Unke you know character pieces se aapne nahi alag hi kiya, isliye ki kahani alag thi, characters alag the, situations alag thi, to music bhi alag hi hui, geet bhi alag hue. Ek gaane mein zara 13 word ho gaye the, uska problem zarur hua. मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि भाई जो 13 तक गिन भी नहीं सकती उन्हें 13 वर्ड कैसे दे दिए. हाउ मीन्स दैट्स ओनली प्रोवाइडेड एवरीवन इन द फिल्म हैज टू सिंग विद अस, इज दैट अ डील? पहली बार तुमको मैंने जब देखा था, सुन लो यार मैंने क्या सोचा था, लगा कि तुमसे है मिलना तबाही, इस दिल को ही समझाने मैंने कहा, इस रास्ते ना जाना कभी राही, ये तेरे लिए है ही नहीं दिल मेरा, बोल उठा होने दो अब जो भी हो, डरना क्या भला बुरा होने दो अब जो भी हो, क्या दिल की सुन ली तुमने, क्या राह चुन ली तुमने, हाँ दिल की सुन ली मैंने, हाँ राह चुन ली मैंने. थैंक यू सुकृति काकर एंड सिद्धार्थ. नाउ दिस यंग एनर्जी, आई हैव नो रीजन टू बिलीव that whatever I'm saying is totally objective and there is no emotional connect or any subjectivity about my opinion, but the fact is that I know my stretching, I'm stretching my neck out, I'm making a statement with certain responsibility. Generally we talk of our past and get nostalgic, kya zamana tha, kaisi filmein banti thi, ab to sahab pata nahi kya ho gaya. That was the golden era. Believe me, times where film like Dil Dhadakne Do are made can be called golden era. Zoya, you're the best! And this is my honest, objective opinion. This was my opinion after watching Udaan. This was my opinion after watching many films nowadays, which did well on the box office and had certain standards, certain sensibility, which is totally unprecedented. This is a film I would like to congratulate everybody, every artist of this film who has worked on the screen, behind the screen. It is, their work is exceptional.
and I am saying it with certain responsibility, I know, I mean, making a big statement. Believe me, it is an exceptional film, and I would like to congratulate Zoya, I would like to congratulate Ritesh and Farhan for producing this film, and everybody, everybody who's involved in that. Well done. I am really proud of all of you. Is that good enough, Priyanka? Thirteen is an unlucky number. Excel Entertainment and Jungly Pictures. This was a fantastic brunch afternoon, and thank you so much for being here in full attendance. And there's lunch being served. Please.
And then he's going to Muscat. One episode. Now they'll see if they want to pick it up to make it into. But let's talk about Dil Dhadakne Do Na right now. How did you all like it? We have to ask you this question. We like it, but we put it out there. We all. I love it. It's super, mind blowing, fantastic. Fantastic. Multi. The trailer is bad. Grey shades. This is for the first time. How your family reacted to it and your colleagues? Indian George Clooney, Indian George Clooney. I think so far it's been very, very positive, and now the audience will decide. But I'm very happy with the you know the kind of film this is, and of course whatever I've done in this film is Zoya Akhtar. Yay! रणवीर इस फिल्म में सब लोग हमारी नॉट सो पिक्चर परफेक्ट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आपको पिक्चर देख के पता चलेगा. तो पंजुम इट्स नॉट ऑल पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन उसमें अरे दूसरे को भी सवाल पूछने दो, एक सब आप ही सवाल. अनुष्का इज नॉट हियर, फरहान इज नॉट हियर, शिफाली इज नॉट हियर, अनुष्का इज आउट ऑफ टाउन, फरहान इज एट हिज स्कूल किड्स स्कूल फंक्शन. And Shefali is also out of time. Okay, koi matlab don't try to remove the meaning out of it, they're just not there. And Dolly is also not there. Who? Yeah, he doesn't want to do press. Priyanka! Haan ji. Guys, I'll tell you all why on another press conference. Right now, we are just doing bites for Dil Dhadakne Do Na. Last question. Chalo. मतलब नया कुछ नहीं है, ट्रेलर लॉन्च है, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक अ रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस वी फैमिली का जो दिस इज द लॉन्च. एंड मेरे फरहान के घर में जो आज जस्ट आवर फ्रेंड्स एंड अनिल सर आल्सो जस्ट हैड हिज फ्रेंड्स एंड दैट वाज एट होम, दैट्स अ पर्सनल पार्टी. This is the launch. पार्टी में दिखाएंगे ये प्रेस के लिए और लॉन्च. आप ही अपने घर का पहला लॉन्च करने वाली हैं? नहीं, मेरा तो घर अभी डिसमेंटल हो रहा है. भैया इनका घर मेरा घर है ना भैया. हाँ, अब अडॉप्ट कर लिया है. हाँ, और प्रियंका का साथ साथ रहेंगे. साथ में एकदम बिल्कुल. रणवीर, हाँ, रणवीर भी स्क्रीनिंग अपने पर ट्रेलर की स्क्रीनिंग. हाँ जी, हो गई ना स्क्रीनिंग. नहीं, वो मेरा फैमिली के जो घर पे थी, मैं उनके मैं घर से निकलूं, आप मुझे वापस घर भेज रहे हैं. थैंक यू. फिजियोथेरेपी चालू है, आई बी बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर. हाँ, काफी थैंक यू. थैंक यू.
क्योंकि मैं तो उस फिल्म का हिस्सा हूँ, तो मैं तो मुझसे पूछना गलत बात होगी, मुझे लगता है जो जो फिल्म ट्रेलर देखी है उनसे पूछिए उन्हें कैसा लगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग करने का ज़ोया के साथ। अब क्या बताएं, ज़ोया के साथ मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत मज़ा किया और आज भी हम लोग सिर्फ मज़ा ही करने वाले, इसको सीरियसली मत लेना, लेट्स ऑल ऑफ यू ऑल जस्ट कम एंड हैव फन, दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट फन फैमिली, इट्स अ फैमिली फिल्म, दैट्स व्हाई वी मैंने ये हमने ये डिसाइड किया कि जितने मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको मैंने यहाँ बुलाया ताकि वो आके यहाँ ट्रेलर देखें। नहीं, मैंने ट्रेंड नहीं शुरू किया है, ये अपने आप ही हो गया, सब चीज़ें अपने आप होती, कोई प्लान नहीं होती, कभी कभी कुछ चीज़ें फिल्म के जो जिस किस्म की फिल्म होती है उस हिसाब से होती है, हमने ये सोचा कि ऐसा करेंगे एंड आई थिंक अभी लेट्स सी हाउ द फिल्म इज। कुछ पता नहीं, ऑल माय फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई बाहर का नहीं, सिर्फ दोस्त और फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं। अनिल जी क्या क्या कुछ अरे यार पिक्चर देखो यार, ट्रेलर देखो, तुम लोग भी देखो, तुम लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, माइंड ब्लोइंग फिल्म। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां दिखाई है, तो बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां क्या होती है? अभी ये तू अभी क्या पूछ रहा है, रात के 12 बजे है। बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत खूबसूरत ट्रेलर है, सबने बहुत अच्छा काम किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म बहुत कामयाब होगी। सर बहुत बड़े बजट की फिल्म है, बहुत सारे स्टार हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मुझे जितना ट्रेलर दो मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर है, बहुत उम्दा लार्ज स्केल पर फिल्म है, बहुत
खूबसूरत लाइनें हैं, सब लोग बहुत खूबसूरत लगे हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और बहुत ही ड्रामेटिक फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। अनुपम जी, अभी थोड़ी देर पहले जो गेस्ट निकले उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ना कुछ ऐसा है जो बड़े लोगों की प्रॉब्लम दिखाई है, जो बड़े लोग हैं उनकी प्रॉब्लम, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है बड़े लोगों की जो उन्हीं की होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने कहा होगा मेरे को तो सबकी प्रॉब्लम सेम होती है। ओके नमस्कार सर, हाउ डू यू फाइंड द ट्रेलर सर? दिल धड़क रहा है अभी भी सर, सच्ची में अभी भी दिल धड़क रहा है। प्रियंका देयर इज अनिल द मल्टी स्टार मूवी आफ्टर सो लॉन्ग सर, एब्सोल्युटली अनिल इज फैबुलस, शिफाली सुपर, प्रियंका इज फैंटास्टिक, अनुष्का इज वाओ एंड रणवीर सिंह इज सुपर परफेक्ट, इवन राहुल बोस, थैंक यू सर एंड द लुक ओ फैंटास्टिक, कांट वेट टू सी द फिल्म। बट पीपल आर जस्ट सेइंग कि अभी तक दिल धड़क रहा है, ऐसा क्या हो गया कि अभी तक लोगों का दिल धड़क रहा है? बोनी बोनी सी एज नाउ सेड अभी तक तो 5 जून तक धड़कते रहेगा, देन वी विल सी व्हाट अ बॉम्ब इट, बट मल्टी स्टार मूवी आफ्टर सो लॉन्ग, सो व्हाट डू यू सी अबाउट दैट? वेल आई मीन लाइक आई सेड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू मूवी फॉर दैट सुपर सर, बट मल्टी स्टार मूवी आफ्टर सो लॉन्ग, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सोयास टेस्ट फॉर द एंड फ्लेवर फॉर द मूवी? सुपर, दैट्स इट, समथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड टू इट? सब सुपर है, एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग, सब बहुत अच्छा लग रहा है, सुपर फिल्म, लुकिंग ब्रिलियंट, मैं तो थिएटर में जाके देखूंगा पक्का। वेरी वेरी नाइस, ऑसम, आई कांट वेट फॉर द फिल्म। I'm super excited to be sharing the trailer with the world in another 2 weeks. Perfect. And Quanta ka aapke bare mein bhi jana chahte the kyunki itne sare pictures the, people are just waiting, how's it going? Hame pata chalega in another whether if the show will get picked up or not. If it gets picked up then series banega, nahi to I'm here. Perfect. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Very nice, really enjoyed it thoroughly, and I wish the team all the very best. Zoya in particular, I wish her all the very best. It's a beautiful film, really nice, thoroughly enjoyed it. Anil sir, PC, Anushka, Shefali, everybody, the supporting cast is superb film. I can't wait to do a film with Zoya now, even more. I think wo jo gana pehli baar tumko maine, that's my favorite song. Sabhi bahut superb the. I mean, you can't really choose one person. I love you.
बहुत अच्छी फिल्म है, सबको जाके देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए, और सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई थिंक जेन्युइनली इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, एंड जोया की तीसरी फिल्म है और बहुत अच्छा काम किया सबने। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे हैं, एंड आई मीन दैट प्रियंका से लेके रणवीर से लेके अनिल कपूर एंड अनुष्का भी उनका रोल है कैमरे की तरह, पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सब गाने से जेन्युइनली बहुत अच्छी फिल्म है। Love the movie, please go and see it. It's lovely, all the performances are fantastic. I thoroughly enjoyed it, and after the trial I've come out dancing, and I hope you all do the same. बहुत सुपर फिल्म, बहुत चलेगी। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। स्टोरी अच्छी, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। जोया जी ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक दिस मूवी विल बी अ बिग हिट। थैंक यू। बहुत ही स्वीट फिल्म है, और ह्यूमन रिलेशन को इतना अच्छे से, जो जोया का पूरा स्टाइल है, उसकी जो पुरानी फिल्में थी लग बाई चांस और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये उसी के कंटिन्यूशन है, उसका एक्सटेंशन है, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। आई रियली लाइक जोया फिल्म एंड फरहान की डायलॉग, फरहान की परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक पी सी और अनिल जी, शेफाली सब लोग बहुत बढ़े हैं, और रणवीर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन, एक फैमिली की कहानी है, तो इट फील्स लाइक ए फैमिली। आई थिंक और लोगों के कमेंट आप लीजिए अभी। आई रियली लव वेरी गुड फिल्म। यू कैन पिक द यूएसपी। आई थिंक द होल फिल्म एज अ पैकेज इट्स अमेजिंग। सो एज एन अमेजिंग अमेजिंग यू कैन डिसाइड हु इज द बेस्ट। ऑल ऑफ देम। रणवीर इज वेरी गुड। ही इज रियली अमेजिंग इन द फिल्म। ऑब्वियसली आई थिंक एवरीवन इज रियली रियली गुड। सुपर। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सभी ने अच्छा किया है। ऑफ कोर्स जोया एक्टर इज द लीडर ऑफ द बैंड। आई मीन शी इज गुड टू पुटिंग एवरीबॉडी ऑन अ क्रूज आफ्टर दिस। टू गुड एवरीबॉडी। आई लव्ड द फिल्म। रणवीर इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। सो इज एवरीबॉडी एल्स। बट एंड द मदर।
एक्टर है वो दिखता है, अभी दिखने लगा है, उसकी मैच्योरिटी दिखने लगी है एज एन एक्टर। जोया की डायरेक्शन का तो जवाब नहीं, कमाल का डायरेक्शन, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि मैंने उसे छोटी सी बच्ची देखा था, तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी छोटी सी बच्ची अभी इतनी महान डायरेक्टर बन गई है, इतनी सोच है उसमें, उस इतना डेप्थ आ गया है उसकी डायरेक्शन में। आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम हू डन दिस मूवी। Well, you know, the inspiration was Zoya wanting to do the film, and obviously we've taken a lot from, you know, what both of us know about families and relation, you know, familial relationships. So the film has an urban outlook. So do you think it will work out in small towns as well? Well, you know, the film is so, you know, the concept of family is so rooted in the film. So the family is, you know, urban or rural. It applies, I think it's got universal appeal. And all the star cast talking about Ranveer Singh, Anil Kapoor, is it the favorite star cast list for the film or there was some chit as well? No, I think this is the favorite. I mean, I've seen the film, the performance are fabulous and each actor has just taken their part and kind of, you know, taken it out of the park. Talking about your direction career, are you involved today? Are you working in a project and talking about a project? Well, I am working on something, but now, today I think this week is Dil Dhadakne Do week. I'd rather speak about that. Thank you. Okay, thank you. मॉडर्न फिल्म है, आजकल के जनरेशन के ऊपर है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, मम्मी डैडी का रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड्स टू हस्बैंड्स, एक ही पिक्चर में शी इज कैप्चर्ड ऑल द इमोशन, ऑल द रिलेशनशिप्स, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, रिलेशनशिप की बात करें तो जल्दी आप शादी के बंधन में हो, आपको पता चलेगा जब होएगा। अच्छा, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? यस, कल आई होप आई एम सीइंग यू, माय फिल्म्स रिलीजिंग 3rd ऑफ जुलाई फॉर सेकंड हैंड हस्बैंड, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।
gorgeous film. I absolutely loved it. And three cheers to Zoya, Reema and the entire team at XM. Well done. All the actors were fabulous and I loved the film. बिल्कुल हर कैरेक्टर फ्रॉम द फादर मदर टू ऑल द कैरेक्टर्स यू समवन और द अदर यू आर बाउंड टू रिलेट टू एंड इट इज ब्यूटीफुल आई थिंक इट इज रियली टचिंग एंड आई लव द वे इट वाज डन आ रहे एंड ऑफ द एक्सेल एंटरटेनमेंट की पिक्चर आ रही है थ्री स्टोरीज देखिएगा थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट